हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे रेलवे कुशल विकास योजना के बारे में। इसका ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको सर्च बार में सर्च करना है रेलवे KVYM, साइन अप फॉर ट्रेनिंग के लिए। सबसे पहला नाम, अपना नाम इंटर करेंगे। उसके बाद मिडिल नेम है तो इंटर करेंगे, नहीं तो लास्ट नेम। उसके बाद ईमेल, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अपना आधार नंबर इंटर करेंगे। आधार नंबर इंटर करने के बाद अपना एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद साइन अप के बटन जो ग्रीन कलर में है उस पर प्रेस करेंगे। ग्रीन बटन पे प्रेस करने के बाद आपके ईमेल पे एक ईमेल सेंड किया जाएगा, वो ईमेल को वेरीफाई करना है। तो अपना ईमेल बॉक्स में ईमेल वेरीफाई करेंगे, जैसे हम कर रहे हैं। ईमेल बॉक्स में आपका ईमेल, जैसे मेरा ईमेल वेरीफाई आ गया, उस पे एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करते ही ब्राउज़र में डायरेक्ट कर देगा। डायरेक्ट करने बाद आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। ईमेल वेरीफाई होने के बाद आपको फिर रिटर्न आना है क्रोम ब्राउज़र पे। उसके बाद फिर लॉगिन होम बटन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है, नहीं तो नीचे में ग्रीन कलर के जस्ट नीचे में लॉगिन का ऑप्शन दिया है, उससे लॉगिन आप कर सकते हैं। लॉगिन करते ही नीचे रेड कलर में अप्लाई हेयर का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अप्लाई के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक कंप्लीट योर प्रोफाइल के बटन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। अपना प्रोफाइल इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करेंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटर करेंगे। पर्सनल इंटर करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगला स्टेप एडुकेशन का आएगा। सबसे पहले बोर्ड अपना सिलेक्ट करें, जिस भी बोर्ड से एडुकेशन प्राप्त किए हैं। उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद कितना परसेंटेज है वो, उसके बाद कौन सा ईयर्स में पास किए वो, उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है एड्रेस, अपना एड्रेस इंटर करेंगे। उसके बाद आता है फ़ोटो अपलोड करने के लिए, फ़ोटो चूज करके फ़ोटो अपलोड कर देंगे। सिग्नेचर चूज करके सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद अपडेट के बटन पे क्लिक करना है। ऑप्शन आपका लाइक का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके ऑप्शन चूज करेंगे, जिस भी क्षेत्र में या अप्लाई करना चाहते हो वो सिलेक्ट करके अप्लाई का बटन मिलेगा। वेल्डिंग, मैकेनिक जो भी है वो अप्लाई कर देंगे। अप्लाई के बटन पे क्लिक करते ही फर्स्ट में आपका मैकेनिक मई का मंथ लेगा, बस सबमिट करना है। कंफर्म सबमिट के बटन पे कर देना है। सक्सेसफुल सबमिट योर एप्लीकेशन हो गया। अब आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके
एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लेना से मेरा एप्लीकेशन स्टेटस, उसके बाद प्रिंट के ऑप्शन पे प्रिंट करके क्लिक करते हैं आपका प्रिंट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें।